अस्सलाम वालेकुम माई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। टाइम हो चुका है 3:20 और सहरी का टाइम है और चलते हैं आज सहरी की ओर। तो उससे पहले दो चार बातें कर लें। अरे भाई, लाइट बहुत जा रही है हमारी तरफ से, तो शहबाज शरीफ साहब कोई रहम खाएं, इमरान खान साहब थे तो लाइट हमारी जाती नहीं थी। अब आप साहिब आए हैं तो आप प्लीज़ हमारी लाइट को ठीक करें, ठीक है, सोल्यूशन निकालें इसका। और जो सी आपने तनख्वाही बढ़ाई थी गरीब लोगों की, तो उसकी बढ़ा के रखें भाई। आपने यू टर्न क्यों लिया है? तो प्लीज़ आप उनकी ना सैलरी बढ़ाएं। तो खतीजा बना रही है सहरी, तो घर से निकलें भाई किचन में। तो मैडम बना रही है सहरी, तो मैडम के हाल वगैरह मैं दिखा सकता हूँ आपको। मैडम ने हिजाब नहीं किया हुआ। ये क्या चाय भी बना रही है जी? अच्छा, पराठे बना रही है। अच्छा नहीं अबू को। अच्छा जी, ये देखो क्या हाल हुआ पड़ा किचन का। ये लहसुन वगैरह, आलू, प्याज एक जगह भी रखे हुए, खुले ही रखे हुए हैं यार। वो बस जल्दी जल्दी में रख दिए हैं। अच्छा, लस्सी वगैरह नहीं बनानी अभी? लस्सी बन रही है, टाइम बहुत थोड़ा रह गया। ये लस्सी बनी हुई है? वाओ, लस्सी भी बनी पड़ी है भाई। चलो जी, भतीजा ने कहा है कि भाई वेट करो। ओ भाई, मुझे भाई नहीं कहा तो आपको कहा है कि वेट करो। तो अब मैं वेट करता हूँ खदीजा का। खदीजा पता नहीं कितना वो टाइम लगाएगी। 3:30 हो चुके हैं, ये पीछे वॉच लगी हुई है, देख सकते हैं आप। तो कल हम गए थे खदीजा की मम्मा के घर, तो खदीजा की मम्मा घर आई थी खदीजा के लिए ईदी लेके आई। और ईदी कितनी है ये हमें आपको बताते हैं, ठीक है? तो खदीजा की ईदी आ गई है, खदीजा बहुत खुश है। खदीजा की ईदी बहुत ज़्यादा आई है यार। फर्स्ट ईदी थी तो बहुत ज़्यादा भेजी है उन्होंने, मुझे भी कोई भेज दे यार, अल्लाह का बंदा ईदी। खदीजा बहुत खुश है यार, अल्लाह पाक इसे खुशी रखे, हंसती मुस्कराती रहे। रात को मैं आया था तो मैंने कहा चलो आज घर पे आराम करेंगे, एसी चला के सोऊंगा आराम से। बट बिजली ने हमें, लाइट ने, लाइट को उर्दू में बिजली कहते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी ने हमें सोने नहीं दिया। लाइट चली गई थी, तो लाइट आई है तो बहुत कम थी फेस, मतलब कि 120 वोल्ट आ रहे थे, 240 होने चाहिए। उसकी वजह से मैं एसी नहीं ऑन कर सका और मेरी बहुत जलालत हुई, मैं सोया नहीं। एक सिर्फ 10 लेटा ही हूँ तो आगे से सहरी का टाइम हो गया। खतीजा ने उठा दिया मुझे, मैं सुबह उठ के जाके दूध दही लेके आया। तो ये मसला मसायर मेरे साथ चलेंगे आज। और एसी क्या करे यार, 1.5 टन एसी है गृह का। तो अब इसे मैं फिर वॉश करवाता हूँ, लाइट भी पूरी हो अल्लाह करे, तो इसे इंशाल्लाह चलाते हैं फिर आराम से मज़े से सोएंगे, हैं? यार खतीजा पता नहीं यार क्या करने लगी है, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 3:40 हो गए और सहरी कह रही है कि तैयार हो गई, ठीक है। खतीजा यार क्या देर है, सहरी हो गई तैयार सारा कुछ? ये अच्छा जी, व्लॉग में ही आ रहा है माँ जी। ये मेरी वालदा थी, कह रही थी व्लॉग में रखें हर चीज़। ये जी खतीजा ने हिजाब कर ही लिया, इसको मजबूरन मुझे लेके आना पड़ता। वालेकुम सलाम। हाँ की देर यार, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, जल्दी आ हैं। चलो लेके आ रही हूँ ना सामान, चला जा। अच्छा ये मेरी वालदा है, तो इतना ही मैं दिखा सकता हूँ। नमाज पढ़ तहज्जुद पढ़ी है, तो आपको पता तो है थोड़ी सी प्राइवेसी भी होनी चाहिए, ठीक है? तो वालदा मेरी थी ये, और मेरे वालद साहब भी ये देखें आ रहे हैं। ये मैं थोड़ा सी आपको झलकियाँ वगैरह दिखा सकता हूँ, क्योंकि वालदैन को मैं नहीं लेके आ रहा अभी। तो इंशाल्लाह आप हमें सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम अपने वालदैन को भी लेके आएंगे, खदीजा के वालिद को भी लेके आएंगे, उसकी भी वालदा को लेके आएंगे, बहन भाई सबको लेके आएंगे ब्लॉग में, ठीक है जी? तो इंशाल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम सबको लेके आएंगे। चलो चलते हैं, अब हम सहरी करते हैं। खदीजा आ जा यार जल्दी।
आए हाय मज़े मज़े भाई, आज फिर लस्सी है यार। हमें ना शहरी में बहुत अच्छी लगती है लस्सी, और ठंडी ठार, आए हाय मज़े। और ये है पानी स्टील के गिलास में, ये मेरी मम्मा लेके आई थी मेरे लिए, तो मेरे लिए क्या। अच्छा यार, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरे कमरे में कितने शीशे हैं जी? 3 सामने लगे हुए, ये एक नीचे है, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे 3, एक ये लगा हुआ है साइड पे, साइड टेबल पे 4, और एक ये मेरे साथ लगा हुआ है साइड टेबल पे 5। मेरे कमरे में भाई 5 शीशे लगे हुए हैं। तो भाई मैं तो कभी किधर से देख लेता हूँ, जहाँ नज़दीक में हूँ वहाँ से शीशा देख के भाई बाल बना लेते हैं। ठीक है जी, के अब ठीक लग रहे हैं, ये फ़ायदा हो गया मुझे 5 शीशों का। और एक और नुकसान भी है भाईजान, मैं नमाज़ पढ़नी होती है घर पे, तो मस्जिद वाली साइड पे मैं कम ही जा रहा हूँ आजकल। रमज़ान में तो बहुत जाना चाहिए, बट मुझे अल्लाह ने तौफीक अभी तक नहीं मस्जिद में इतनी दी जी, घर पे ही। जी जी लग रही भतीजा आ गई है ना, अब जी जी कर रही है, टाइम लेट कर दिया इसने मुझे। अच्छा ये चिकन है, ये दही, ये पराठा, और ये है जी मैडम जी की जी। चलाओ यार, टाइम बहुत थोड़ा रह गया यार, लाइट लेट बहुत कर दी है। ठीक है भतीजा, टाइम हो रहा है, जल्दी से ना दुआ मांग ले। अल्लाहुम्मा इन्नी लाका सुनतु। नहीं यार, ओए होए, इफ्तारी की दुआ जे। अच्छा क्या, ओ बाबे सो में दिन में वही तो मिन शहर रमजान जी। आमीन जी। ठीक है जी, हम मिलते हैं। क्या क्या, अब हम नमाज पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, हां जी, फिर थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो मैं फारसी बोल रहा था है? नहीं मैं उनजी या मेरी जबान उन्होंने समझ नहीं आती। अच्छा तो आज जुमा था, तो मैं तैयार शहर होके जुमा पढ़ के आया हूँ। ठीक है, तो अब अफ्तारी पे हम मिलते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा यार, मैं गया हुआ था आज बाहर, तो मैं वीडियो बना नहीं सका ज़्यादा, तो जितनी मैंने बनाई की है मुझसे मैंने बना ली है वीडियो। और अफ्तारी का टाइम हुआ पड़े, ऊपर देख सकते हैं अब शाम बनी पड़ी है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अफ्तारी में। टाइम हो चुका है अफ्तारी का, भतीजा पीछे आ गई है, अफ्तारी बन गई है सारी। चले, टाइम क्या हो गया जी? 7:45 हो गए हैं लाहौर का, टाइम तो 7:45 का। और भतीजा ऐसे मूड क्यों लटकाया हुआ है? खैर कुछ नहीं। खैर हाँ। की सामान जल्दी ले लो। क्या, तो अफ्तारी के सामान आने लगा है। ये वो लेके आई है नींबू पानी, ठंडा पानी और खजूर। यार पंखा ही नहीं चलाया यार, अजीब हरकत है वैसे भी। पंखा ऑन हो गया, पंखे पे बैठते हैं भाई। ये देखे बैठा हुआ है आपका भाई आराम से, भतीजा पीछे बोल रही है बहुत, पता नहीं क्या मसला है यार इसे भतीजा को। अच्छा टाइम हो चुका है, ये भतीजा बिरयानी भी ले आई है, शामी टिक्की भी हैं और कचौरी भी है। और ये भतीजा है, भतीजा यार अफ्तारी का तो टाइम हो गया, तो दुआ पहले पढ़ो, इधर हाथ करो। अल्लाहुम्मा इन्नी लाका सुम्तु वबिका अमन्तु वअलैका तवक्कलतु वअला रिज़्किका अफ़तरतु। चलो बिस्मिल्लाह, अब रोज़ा इफ्तार कर ले। चलो जी इफ्तारी कर लेते हैं। ये देखें मैंने खाना खा लिया, इफ्तारी कर ली, ये देखें चावल, शामी टिक्की, और ये फरहान अभी भी खा रहे हैं। खाना नहीं है, खाना ही है ना, मुझसे ज्यादा ये खाते हैं। नहीं जी जी, आपने ये सारा कुछ खाया वेली हुई पे ही है, वो दोनों ने मिलके खाया। हाँ जी, ड्रामे कर रहे हैं ना। चलो खा लो, कुछ नहीं होता। अच्छा तो अफ्तारी हमने कर ली थी, अब आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। मेरा दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने को, तो अब हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। क्यों फरहान, आप मुझे लेके जा रहे हैं ना? किधर जा रहे हो? आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खाने जाना है आपने? फरहान, फरहान बहुत जिद करने के बाद मुझे आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। अच्छा तो आज हमारे साथ बच्चा पार्टी भी आई है, ये देखें पीछे बच्चा पार्टी बैठी हुई है, इन्होंने भी खाने की आइसक्रीम, कह रहे थे चाचू आइसक्रीम को, तो मैं कहा चल खा लो भाई। अच्छा तो गाइस ये आइसक्रीम ले भैया, गिर जाएगी। नहीं गिरती। ओ, देखा बच्चो, ये पकड़ो मादी, पकड़ो भाई।
खानी हो खानी है तू आप पकड़िया किन्ने पैसे बने आइसक्रीम खाए हैं घर आ गए हैं पहुंच गए हैं। एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, गाड़ी लेके आ रहा था तो आगे अचानक से बाइक वाला घुसा है, बम्पर सारा उसने डैमेज कर दिया, फ्रंट बम्पर सारा रंग उतर गया है। बहुत दुख हुआ मुझे मेरी गाड़ी पे, खतीजा अगर ना होती साथ तो मैंने पकड़ लेना था उसे, बट वो नशे में था मेरे ख्याल से, शराब उसने पी हुई थी, अल्लाह माफ़ करे। तो मेरी गाड़ी में लगा है तो बच के निकल भागने की कोशिश की है उसने, ये नहीं रुका नहीं है कि भैया आपका नुकसान हो गया माजरत, ये नहीं क्या भाग गया है, भाग गया तो आगे जाके फिर एक गाड़ी में लगा है और गिर गया उधर ही। तो हमने पूछा भैया आपने बूटी पी हुई थी, तो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ये पहले ही कह देते आप, फिर मैंने ट्रैफिक थी ज़्यादा तो मैंने फिर रोकी नहीं, खतीजा साथ थी बच्चे साथ थे, आइसक्रीम खिलाने गया हुआ तो सारा मूड उसने ऑफ कर दिया मेरा उस टाइम। अब घर आ चुके हैं और खतीजा मैडम देखें क्या हुआ, बूथा कैसे जो बनाया तेरा। अच्छा यार तो खतीजा ईद कल बताएं फिर जी, कल के व्लॉग में आपको दिखाएंगे खतीजा को कितनी ईद मिली और सब कुछ दिखाएंगे आपको, ठीक है जी। अब इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट, मिलेंगे आपके साथ अब नेक्स्ट व्लॉग, फिर मान लिया, अल्लाह हाफिज़।